हेलो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है द इनकम स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है या इनकम स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का एंड रिजल्ट है अकाउंटिंग साइकिल में जो स्टेप्स प्रो इनिशिएट uh, किए जाते हैं फ्रॉम आइडेंटिफाइंग टू आइडेंटफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग थ्रू डे बुक एंड पोस्टिंग सच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन टू लेजर्स तो ये उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस से फिर इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट एंड रिज़ल्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट्स द कंपनीज रेवेन्यूज एक्सपेंसिस एंड नेट इनकम और नेट लॉस फॉर द पीरियड ये शो करता है कि ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे परफॉर्म किया आया इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया और लॉस सफ़र किया इनकम स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल टूल दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस जो पास्ट पीरियड था तो उस पास्ट पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन uh, ने कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया वो थ्रू इनकम स्टेटमेंट शो होता है अब देखिए सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यूज़ होते हैं उनसे एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं और uh, उनसे माइनस करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो है नेट इनकम और नेट लॉस आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल टेन डॉलर रेवेन्यूज़ है एक्सपेंसेस एट डॉलर्स है तो टेन डॉलर से एट डॉलर माइनस करेंगे तो टू डॉलर जो है ये नेट इनकम आएगा ठीक है लेकिन हमेशा ये केस नहीं होता कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यूज़ कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज टेन है और एक्सपेंसेस ट्वेल्व है इन दैट केस टेन माइनस ट्वेल्व इज़ इक्ल टू माइनस टू ये जो माइनस टू है ये रिफ़्लेक्ट करता है कि कंपनी ने दो डॉलर लॉस सफ़र किया है देखिए इनकम स्टेटमेंट में होता क्या है के सेल्स रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ़ गुड को माइनस किया जाता है सेल्स रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बेसिकली जो डायरेक्ट कॉस्ट है जो डायरेक्ट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो उसको जो है माइनस किया जाता है सेल्स रेवेन्यू से यानी जो सेल्स हुई है उनके अगेंस्ट जितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो उनसे माइनस की जाती है और तब ग्रॉस प्रॉफिट आता है ठीक है ये डायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस अभी इन डायरेक्ट ये जो सेल्स इनकर की है सेल्स जनरेट की है तो सेल्स जनरेशन के बाद जो एक्सपेंसेस uh, uh, होते हैं फॉर एग्जांपल सेलिंग एंड एक्सपेंसेस अब ये वो एक्सपेंसेस है ये डायरेक्टली रिलेटेड uh, uh, नहीं है गुड्स प्रोडक्शन से एक्विजिशन से लेकिन सेल्स करने के लिए ये ज़रूरी थे तो इन दैट केस अभी देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ये आ सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो फिनिश्ड गुड्स बनाए गए हैं उसको गोडाउन में रखे गए हैं तो उस गोडाउन की जो रेंट वगैरह है या उसकी सिक्योरिटी जो चार्जेस हैं सिक्योरिटी पेमेंट जो की गई है वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज़ में आते हैं अब इस एक्सपेंसेस के बग़ैर जो है ये सेल्स करना मुश्किल है तो लिहाजा इसको भी जो है उससे माइनस किए जाते हैं इन डायरेक्ट में क्लासिफाई करने के बाद तो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो इनकम आती है उसको ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता है अब इसको नेट इनकम क्यों नहीं कहा जाता क्योंकि एक दो और आइटम्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो भी इनसे माइनस करने पड़ते हैं कि तब हम नेट इनकम तक ड्राइव कर सकते हैं देखिए सेल्स इन सेल्स से सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया तो आया ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से, से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस किए ऑपरेटिंग इनकम आया ऑपरेटिंग इनकम से अगर अगर अदर रेवेन्यूज़ और गेंस हैं तो वो ऐड करने हैं और अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं तो लेस करने हैं अब ये अदर रेवेन्यूज़ एंड गेंस कौन से हो सकते हैं ये फाइनेंशियल इनकम uh, जो है इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने इन्वेस्टमेंट uh, की है फाइनेंशियल uh, बॉन्ड्स में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है बैंक में लॉन्ग टर्म टर्म डिपॉजिट्स सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं तो उसके अगेंस्ट या सेविंग अकाउंट्स है वहाँ से जो इनकम आ रही है वो फाइनेंशियल या इंटरेस्ट इनकम है ये इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऑपरेटिंग इनकम में ऐड होगी इसी तरह अगर लोन इन्होंने अवेल किया है तो लोन के अगेंस्ट जो फाइनेंशियल चार्जेस पे कर रहे हैं जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे तो अदर एक्सपेंसेस फिर माइनस होंगे अब ये जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं इनको ज़रा हम एक्सप्लेन करें कि रेवेन्यूज़ क्या है रेवेन्यूज़ आर द दे प्रोसीड्स दैट कम फ्रॉम सेल्स टू तो कस्टमर्स यानी जो गुड्स सेल करते हैं कस्टमर्स को उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू जो अमाउंट आती है जो अर्न होती है उसको रेवेन्यू कहा जाता है यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि वो रिसीव हो जाए या ना हो बेशक ये रिसिवेबल हो तब भी इसको रेवेन्यू कहा जाएगा Uh, uh, सिर्फ कंडीशन uh, ये है कि वो आप अर्न करने। तो अर्न कब करते हैं अर्न तब करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो जाए और वहाँ से एक्सेप्टेंस हो जाए तब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है उसके बाद कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड क्या है एन एक्सपेंस दट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और गुड देंरेट्स रेवेन्यू जैसे कि पहले बताए वो गुड्स है वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सेल की हैं उसकी कॉस्ट कितनी है वो कॉस्ट जो है उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है फिर ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस मार्जिन वही है कि रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको ग्रॉस मार्जिन कहा जाएगा फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है जिसमें सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है उसके बाद फिर ये माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग इनकम आती है या इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमने ऑपरेटिंग इनकम का वर्ड यूज़ किया उसी की जगह हम इनकम uh, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कह सकते हैं ठीक है क्योंकि इस इनकम के बाद इंटरेस्ट भी डिडक्ट uh, करना जो है वो चाहिए और उसके बाद फिर टैक्स डिडक्शन भी होती है तब जो है नेट इनकम अराइव होता है अब इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कंपनी ने डेट uh, अवेल uh, किया है उसमें जो इंटरेस्ट चार्जेस वो पे करेंगे वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं इसी तरह इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जितने भी कंपनीज़ हैं जितने भी हैं उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने असर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है ऑन प्रॉफिट ऑन इनकम जो है उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करना होता है तो इसको इनकम टैक्स एक्सपेंस कहते हैं तो उसको माइनस करने के बाद जो अराइव होता है उसको कहते हैं नेट इनकम यानी ओवरऑल जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें सबसे पहले रेवेन्यूज से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ग्रॉस मार्जिन आता है ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास सेलिंग एडमन मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आर आई होता है उसको ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं और इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं तो ये ऑपरेटिंग इनकम से जब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं या इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऐड करते हैं और उसके बाद फिर जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो माइनस करते हैं तब अराइव होता है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट ये नेट इनकम और नेट प्रॉफिट जो है ये इनकम स्टेटमेंट का एंड uh, रिजल्ट है जो शो करता है कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि हमने पहले पढ़ा इनकम स्टेटमेंट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है आ, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स से आ, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है और जो है उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो उसके बाद जो है ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग इनकम से टैक्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं तो इसके बाद हमारे पास है रेवेन्यूज़ रेवेन्यूज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेवेन्यू को आपने कब रिकॉर्ड करना है वो सेकंड दे, उसको देखें दे रिज़ल्ट फॉर फ्रॉम डिलीवरिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स रेंडरिंग सर्विसेज और अदर एक्टिविटीज़ डेट कॉन्स्टिट्यूट एंटिटीज मेजर सेंट्रल ऑपरेशन यानी गुड्स डिलीवर किए तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या आपने सर्विसज़ रेंडर्ड किए तो जैसे ही आप रेंडर करेंगे तो तब आप उसको रेवेन्यूज़ को रिकॉर्ड करेंगे सेकंड इसमें एक्सपेंसेस का टर्म यूज़ हो रहा है एक्सपेंसेस क्या है आउटफ्लोज ऑफ रिसोर्स हैं आउटफ्लोज ऑफ रिसोर्स है, है यानी जो आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर uh, इनकम uh, को जनरेट करने के लिए वो सारे एक्सपेंस आइटम्स uh, जो है वो सारे पेमेंट्स को एक्सपेंस कहलाया जाता है आगे भी वही टर्म्स हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम अदर रेवेन्यू एक्सपेंसिज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है नेट इनकम एंड नेट लॉस अब ये देखिए इनकम स्टेटमेंट का जो है फॉर्मेट इसी तरह होता है कि सबसे पहले सेल्स सबसे पहले जो है वो इनकम स्टेटमेंट लिखा जाता है उसके बाद कंपनी नेम कंपनी नेम के बाद इनकम स्टेटमेंट फॉर द एयर एंडेड जून थर्टी टू थाउजेंड टू अब देखिए ये फॉर द एयर एंडेड है ये एक मेन पॉइंट है ये आपने नोट करना है ये फॉर द ईयर एंडेड का मकसद ये है कि ए फाइनेंशियल एयर एंड जो है वो थर्टियथ जून को है ठीक है और सेकंड ये कि फोर द ईयर एंडेड यानी ये शो करता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड है जो फाइनेंशियल एयर है वो फर्स्ट जुलाई दो टू वन से शुरू होकर थर्टियथ जून टू थाउजेंड टू पर जो एयर एंड हो रहा है ये पूरी एयर की परफॉर्मेंस है ठीक है पूरी ईयर की परफॉर्मेंस क्या है सबसे एंड में देखिए नेट इनकम ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ ये इनकम नेट इनकम नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया ये उसकी परफॉर्मेंस है अगर ये बैलेंस माइनस में होता तो ये इस, इसका मतलब ये होता है कि ये ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इन्होंने लॉस सफ़र किया है यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे सेल्स है सेल्स से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ठीक है वेजज एक्सपेंसेस है रेंट एक्सपेंसेस है कैरेज एक्सपेंसेस है डिप्रेशन एक्सपेंसेस है टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके ये नेट इनकम आया है ठीक है इसको उसी तरह भी कर सकते हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स बहुत ज़्यादा है तो इसको फिर हम क्लासीफाई करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड को सेल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा फिर ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा फिर उससे इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट फॉर करेंगे और इनकम टैक्स के बाद जो अमाउंट आएगी वो नेट इनकम आएगी ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ कन्वीनियंस कुछ आइटम्स उठा के आपको दिखाए गए हैं ताकि आप इनकम स्टेटमेंट की uh, जो स्टेटमेंट uh, कैसे बनती है वो आपको समझ आ सकें तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू